Everyone, welcome back to my channel, Doctor for All with Dr. Rakshinda. Hope you all are doing good. क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन कहा जाता है या उसे एनर्जी विटामिन या पावर विटामिन कहा जाता है क्योंकि वो हमें एनर्जी बहुत देता है हर चीज की एनर्जी के लिए For every each and every cell of our body, vitamin B12 is very, very important. So, I'll be sharing with you some important facts about vitamin B12. So, let's begin fast without any delay. Vitamin B12 को cobalamin भी कहा जाता है. वो एक water soluble vitamin है. Like all other vitamin जो B वाले होते हैं, B complex होते हैं, they all are water soluble. तो हमें क्या करना है कि एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ेगा बॉडी में इंटरनली वो बनता नहीं है विटामिन बी या विटामिन B12 जो होता है तो एक्सटर्नल सोर्सेस हमें ढूंढने हैं जिससे हमें जो हमें प्रोवाइड करेंगे विटामिन B12 विटामिन B12 यूजुअली नॉनवेज सोर्सेस में ज्यादा पाया जाता है लाइक मीट फिश एंड पोल्ट्री फिश है ऑल टाइप्स ऑफ फिशेस है सालमन है ट्राउट है ट्यूना है मीट है ऑर्गन मीट है लिवर है देन पोल्ट्री है तो दे ऑल आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो दे गेट इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन B12 जो उसका डेली रिक्वायरमेंट है अराउंड 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे सो दे गेट इट डेली एग्स में भी काफी हद तक होता है बट वेजिटेरियन लोगों को थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है बट गुड न्यूज इज मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स में भी काफी हद तक विटामिन B12 होता है सो इंक्लूड दैट इन योर डाइट लाइक मिल्क के जो भी प्रोडक्ट्स हैं दूध है दही है चीज है पनीर है सो वेजिटेरियन पीपल कैन इंक्लूड दैट और होता है सोया मिल्क में नहीं होता है बट सोया मिल्क जो फोर्टिफाइड मिलता है वो आप रीड करिए टेट्रापैक पे अगर लिखा है इट्स फोर्टिफाइड विद विटामिन B12 या फोर्टिफाइड सीरियल्स अवेलेबल है मार्केट में सो दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट वेजिटेरियन पीपल उनको फिर विटामिन B12 की कमी नहीं होगी क्या होता है कि विटामिन B12 जो अब्सॉर्प्शन होता है उसके लिए एक एसिड मीडियम रिक्वायर्ड है इन आवर स्टमक तो वो एसिडिक मीडियम रहेगा तो ही विटामिन B12 अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है या उसके एब्जॉर्प्शन के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन होता है दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड सो दैट इज अ मस्ट तो जिनमें ये चीजें नहीं होती यानी जो लोग बहुत एंटासिड्स खाते हैं अपने पेट में जो एसिडिटी को कम करने के लिए बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली एंटासिड्स खाते रहते हैं तो उनको विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करना काफी मुश्किल हो जाएगा या ओल्ड एज में काफी मुश्किल हो जाती है बिकॉज अपनी एपेटाइट ही कम हो जाती है वी डोंट ईट प्रॉपर फूड या फिर डायबिटिक्स हु कंटिन्यूसली टेक मेटफॉर्मिन तो दैट ऑल्सो इंटरफियर्स विद अब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 या फिर कुछ इंटेस्टिनल स्टमक सर्जरीज हुई है जिनकी जैसे बैरियाट्रिक सर्जरी है फॉर वेट लॉस तो उनको भी प्रॉब्लम होता है विटामिन B12 अब्सॉर्ब करने के लिए या अल्कोहलिक्स हैं जो हैवी ड्रिंकर्स हैं सो उनको प्रॉब्लम होता है विटामिन B12 अब्सॉर्ब करने के लिए जैसे मैंने कहा कि विटामिन B12 एक एनर्जी विटामिन है एनर्जी गिविंग है तो वो क्या क्या फंक्शंस हैं उसके मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन फंक्शन फॉर योर नर्वस टिश्यू ये नर्वस टिश्यू हेल्थ के लिए नर्व्स के लिए जो हम कहते हैं ना कि नर्व्स में कमजोरी हो गई इट्स बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी उसकी कमी से नर्वस टिश्यू अफेक्ट हो जाता है ब्रेन फॉर्मेशन में डिफिकल्ट हो जाता है देन विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स RBCs जिसे कहा जाता है देन फॉर योर DNA फॉर्मेशन जो जीन्स हमारे होते हैं उसका फॉर्मेशन भी उसमें विटामिन B12 काफी हद तक मदद करता है तो यू कैन इमेजिन अगर विटामिन B12 कम हुआ तो ये सारे फंक्शंस विल बी अफेक्टेड लाइक रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन कम हो जाएगा एवरी मिनट हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको विटामिन B12 की जरूरत है तो अगर विटामिन B12 की कमी है तो रेड ब्लड सेल की भी हमको कमी होने लगेगी हमारे नर्व्स काफी सेंसिटिव हो जाएंगे नर्व्स में जो माइलिन शीथ एक होता है एक कवरिंग होती है एक कोटिंग होती है तो वो काफी हद तक डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी या कमी विटामिन B12 की कमी की वजह से सो ये सारे फंक्शंस अफेक्ट हो जाते हैं
विटामिन B12 की अगर कमी होने लगती है या आपका डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है विटामिन B12 की कमी है, तो इट इज मेड फ्रॉम सम सिम्टम्स, लाइक सिम्टम्स से डायग्नोसिस मिलता है. कुछ साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं. यूजुअली व्हाट वी सी इन आवर क्लिनिक इज फर्स्ट थिंग इज वीकनेस, या जल्दी थकावट हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशंस हो जाना, थोड़ा सा भी चल के पेशेंट थक जाते हैं क्योंकि विटामिन B12 कम है एंड RBCs भी कम है. तो सिम्टम्स आर सिमिलर टू एनीमिया, लाइक पेशेंट गेट्स टायर्ड वेरी फास्ट, थक जाएगा, थोड़ा सा भी चलने में थकावट हो जाएगी, दिल की धड़कनें फास्ट हो जाएगी, कमजोरी लगने लगती है. देन देयर इज नंबनेस, हाथ पैर में सुन हो जाना, टिंगलिंग नंबनेस, या बहुत सारे पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं कि मुंगी चल रही है या चूटियां चल रही है, वो सेंसेशन एक्सपीरियंस करते हैं हाथ पैर में. देन बहुत सारों को माउथ में सोनेस हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, या टंग स्वोलन हो जाती है, सोर टंग बोलते हैं, जो हमारी नॉर्मल टंग है वो लुक वैसा नजर नहीं आता है, द टंग बिकम्स वेरी यू नो, या तो पेन हो जाएगी या सूजी भी रहेगी, वेरी स्मूथ टंग, दैट इज अ सिम्टम ऑफ विटामिन B12 डेफिशियंसी. देन बहुत सारों को क्या होगा कि चलने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगी एंड फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगी. सो फिजिकल हेल्थ में ये होता है कि लिटिल इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग बिकॉज द नर्व्स आर अफेक्टेड. सो लेटर ऑन लाइक काफी हद तक अगर विटामिन B12 कम होते जाएगा तो पेशेंट्स फील इम्बैलेंस, लाइक थोड़ा सा बहुत मोबिलिटी या गेट में बहुत फर्क पड़ जाता है व्हेन दे आर वॉकिंग. देन डिमेंशिया इज अ सिम्टम, इरिटेबिलिटी, पेशेंट काफी डिप्रेस रहेगा अगर काफी हद तक विटामिन B12 कम होता जाता है ओवर द ईयर्स, लाइक ओवर लॉन्ग टर्म में अगर विटामिन B12 कम होगा तो इट कैन मैनिफेस्ट एज डिप्रेशन. पेशेंट कैन प्रेजेंट एज वेरी डिप्रेस्ड, या डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं. सी टू इट के आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम नजर आ रही है, इफ यू गेट टायर्ड वेरी इजिली, इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, या आप बार बार भूल जा रहे हो, फटीग फील हो रहा है, जरा जरा सी चीज में थकावट फील हो रही है, इरिटेबिलिटी फील हो रही है, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए. मे बी आपका विटामिन B12 लेवल्स काफी कम होगा, वो डॉक्टर चेक करवाएगा, आपको सजेस्ट करेगा, एडवाइस करेगा, एंड अगर काफी हद तक कम है वट एवर इज द नॉर्मल लेवल, डॉक्टर देखेगा और आपको सजेस्ट करेगा क्या करना है. ट्रीटमेंट पार्ट में ये रहता है कि ओरल सप्लीमेंट्स देते हैं, मिथाइल कोबल अमीन के टैबलेट्स मिलते हैं वो लेते हैं लोग, एंड सेकेंड रहता है कि इंजेक्शंस रहते हैं, मिथाइल कोबाल अमीन के इंजेक्शंस होते हैं, वो ऑल्टरनेट दिन दिया जाता है पेशेंट्स को, दैट उसका अब्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ओरल टैबलेट्स. एंड अभी न्यू मार्केट में आए हुए हैं नेजल स्प्रेज हैं मिथाइल कोबाल अमीन के, सो दैट इज ऑल्सो बेटर. आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है, बट फ्रॉम योर साइड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंक्लूड ऑल दोज विटामिन B12, मैंने जो आपसे फूड आइटम्स बताए हैं, इन योर डाइट एज पर लाइक योर वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म, आप जैसे भी हैं वैसे ये सारी चीजें इंक्लूड करिए इन योर डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, तो डेफिनेटली आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ.